हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कास्केडिंग शेड्यूल वर्सेस कास्केडलेस शेड्यूल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इररिकवरेबल एंड रिकवरेबल शेड्यूल, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी एक शेड्यूल दिया होगा जिसके अंदर मल्टीपल ट्रांजेक्शन है और वहां पर आपको रिकोगनाइज करना है क्या ये रिकवरेबल है, इररिकवरेबल है, कास्केडलेस है या कास्केडिंग शेड्यूल है। तो रिकवरेबिलिटी में ये चारों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिकवरेबल, इररिकवरेबल, कास्केडलेस, कास्केडिंग शेड्यूल एंड स्ट्रिक्ट रिकवरेबल। तो ये पांच चीजें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कास्केडिंग वर्सेस कास्केडलेस शेड्यूल। तो कास्केडिंग का मतलब क्या होता है, कास्केडिंग का अगर हम बेसिक सा मीनिंग देखें तो कास्केडिंग का मतलब होता है कि ड्यू टू अक्रेंस ऑफ वन इवेंट मल्टीपल इवेंट्स आर ऑटोमेटिकली अक्रिंग। कैसे, लेट्स से कि हमारे पास ट्रांजेक्शन है T1, T2, T3, T4, मतलब एक शेड्यूल है, शेड्यूल के अंदर मल्टीपल ट्रांजेक्शन है हमारी T1, T2, T3, T4। T1 जो है वो सबसे पहले आई और उसने क्या करना है, रीड ए राइट ए परफॉर्म किया, और ये हमारा टाइमलाइन है। ये आपको ऑब्वियसली पता है, आप टाइमलाइन का मतलब क्या होता है कि टाइम जो है इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। तो T1 सबसे पहले आई, उसने रीड ए करना है, उसने डेटाबेस से ए की वैल्यू को रीड किया, राइट करना है डेटाबेस की वैल्यू में, जो भी उसने रीड किया उसमें कुछ भी चेंजेस जो है प्लस माइनस जो भी करना चाहते हो वो चेंजेस जो है वो परफॉर्म किए। अब लेट्स से अभी ये चल रही है, ये ट्रांजेक्शन अभी गोइंग ऑन है, T2 आई और उसने यहां पे रीड ऑन ए किया। अब ये कौन सी वैल्यू रीड करेगी, ये रीड करेगी जो इसने चेंज किया, मतलब जो T1 ने अभी चेंज किया डेटाबेस में, अभी वो चेंज नहीं हुआ लेकिन वो चेंज जो है वो T2 ने रीड कर लिया। और लेट्स से T3 आई, T3 ने भी रीड ऑन ए परफॉर्म किया, तो ये भी क्या वैल्यू रीड करेगी जो इसने चेंजेस किया। मतलब लेट्स से अगर डेटाबेस में 100 वैल्यू है तो T1 ने सबसे पहले A की वैल्यू को 100 रीड किया, उसमें लेट से परफॉर्म किया कुछ भी A इज इक्वल टू A माइनस 50 और राइट ऑफ A किया, तो राइट A करते ही A की वैल्यू क्या हो गई, 50 हो गई। अब उस 50 को इसने रीड किया 50, इसने भी रीड किया 50, लेट से T4 आई और उसने भी रीड किया और वो भी अभी 50। अभी ये चल रही है, ये ट्रांजेक्शंस अभी गोइंग ऑन है, और लेट से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब तीनों ने रीड किया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे T1 जो है वो क्या हो गई, फेल हो गई। और अगर T1 कोई भी ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो एसिड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एटॉमिसिटी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, या तो सारी ऑपरेशंस परफॉर्म होना चाहिए या नन ऑफ द ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, तो यानी हम इसको क्या करेंगे, रोल बैक करेंगे। और अगर हम इसको रोल बैक करेंगे तो डेटाबेस में वैल्यू क्या होगी, A की जो इनिशियल वैल्यू थी, क्या है इनिशियल वैल्यू, 100, मतलब डेटाबेस में वैल्यू 100 रहेगी। तो T2 क्या वैल्यू पे काम कर रही है, 50, T3 50, T4 50, वेयर इज 50 वैल्यू, 50 वैल्यू कहीं पे है ही नहीं। तो यानी ये तीनों डर्टी डेटा पे काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड अ राइट रीड प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, हम इसको भी क्या बोलेंगे, अबॉर्ट हो जा, इसको भी एक बोलेंगे अबॉर्ट हो जा, इसको भी बोलेंगे अबॉर्ट हो जा, मतलब तीनों को हम ऑटोमेटिकली रोल बैक कर देंगे, दैट इज कॉल्ड अ कास्केडिंग। ये फेल हुई थी ड्यू टू सम आउटेज, कोई भी प्रॉब्लम अक्कर हुई, सर्वर की प्रॉब्लम है, हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, ये ऑटोमेटिकली फेल हो गई, लेकिन इन तीनों को हमने फोर्सफुली अपडेट किया, क्योंकि अगर मैं इन तीनों को करने देता हूं काम, अगर लेट से मैं इनको अलाउ करता हूं तो तीनों 50 वैल्यू पे काम कर रही है, A की वैल्यू, लेकिन 50 कहीं पे है ही नहीं क्योंकि डेटाबेस में तो वैल्यू 100 हो चुकी है, ये सारे ऑपरेशन तो रोल बैक हो गए, तो यानी मैं इसको ऑब्वियसली गलत वैल्यू पे तो काम करने दूंगा नहीं, तो अब मैं इसको क्या करूंगा, रोल बैक कर दूंगा। तो रोल बैक करते ही ये तीनों ट्रांजेक्शन क्या हो गई, ऑटोमेटिकली रोल बैक हो गई, यानी ये चारों की चारों ट्रांजेक्शन क्या हो गई, फेल हो गई। तो इससे मुझे मतलब डिसएडवांटेज क्या मिल रहा है, जनरली अगर पूछा जाए तो आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है परफॉर्मेंस, सीपीयू की यूटिलाइजेशन, आपने सीपीयू को यहां पे यूटिलाइज करते जा रहे हो लेकिन
इसके फेल होने की वजह से आपने इन तीनों को भी फेल कर दिया, तो आपने सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो यहां पे प्रॉपरली नहीं किया, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है सिस्टम की वो ऑब्वियसली क्या होगी, डिग्रेड हो जाएगी, क्योंकि आपके जो सीपीयू साइकिल वेस्ट हो जाएगी, सीपीयू ने जो ये काम किया वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली वेस्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड अ कास्केडिंग शेड्यूल। अगर आप सिंपल से एग्जांपल से समझे, लेट से ये चार बंदे हैं, चारों स्टूडेंट्स हैं, चारों ने मतलब लेट से कोई पेपर दे रहे हैं, और T1 जो है वो इंटेलिजेंट है। अब T1 ने पेपर में कुछ भी लिखा, कुछ भी राइट किया, मतलब कुछ लिखता जा रहा है, T2 ने उसको रीड कर लिया, T3 ने भी रीड कर लिया, T4 ने भी रीड कर लिया, मतलब इन तीनों ने उसको रीड कर लिया, इनको उसका कुछ नहीं पता है, ये तो सिंपल ब्लाइंडली कॉपी करते जा रहे हैं। अब लेट से कि T1 ने कुछ टाइम बस सोचा कि नहीं यार मेरे को लगता है मैंने गलत आंसर निकाल दिया, तो उसने क्या किया, वो सारा का सारा क्या किया, रब कर दिया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, T2 अलाउ करेगा, T2 बोलेगा कि हाँ यार नहीं नहीं मेरे कोई बात नहीं, उसने रब कर दिया मैं करूंगा, नहीं वो भी क्या करेगा, ऑटोमेटिकली रब करेगा, वो भी करेगा रब और ये भी रब करेगा, यानी तीनों की मेहनत जो है, तीनों ने काफी मेहनत की है कॉपी करने में, तो तीनों की मेहनत क्या हो गई यहाँ पे, फेल हो गई। तो तीनों क्या करेंगे, अब ऑब्वियसली फ्यूचर में आएंगे, मतलब दोबारा से जब ये रीड राइट करेगा तब दोबारा से चेक करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें एट प्रेजेंट, तो मेरी जो यूटिलाइजेशन है सीपीयू की वो यहाँ पे वेस्ट होगी, परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली डिग्रेड होगी, दिस इज कॉल्ड अ कास्केडिंग शेड्यूल। नेक्स्ट है कास्केडलेस। कास्केडलेस मतलब ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि यार सिस्टम कास्केडलेस होना चाहिए, मतलब इस चीज को हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे, तो रिमूव करने का क्या मेथड है, आपको क्या लगता है क्या मेथड यूज करेंगे? सिंपल सा मेथड है, प्रॉब्लम कहां पे अकर हो रही है, इसने जो चेंज किया वो इसने रीड किया, वो इसने रीड किया, वो इसने रीड किया, अगर मैं रीड करने ही ना दूं तो क्या होगा, Obviously, cascade less बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर T1, let's say T2, let's say T3 read A, write A कर रही है, और T2 कह रहा है कि मुझे read A करना है, या T3 कह रहा है कि मुझे read A करना है, I will not allow। हाँ, कुछ और operation perform करना है, read on B, write on C, read on D, जो मर्जी काम करे, लेकिन A की वैल्यू को ये रीड नहीं कर सकती, A की वैल्यू को ये रीड नहीं कर सकती, T4 लिख लो, T5 कोई भी रीड नहीं कर सकती, कब तक, जब तक ये वाली ट्रांजेक्शन, T1 वाली ट्रांजेक्शन कमिट नहीं हो जाती, या फिर अबॉर्ट हो जाए, मतलब या तो ये फेल हो जाए किसी की वजह से, किसी भी रीजन से, या फिर ये अगर ये सक्सेसफुली कमिट हो जाएगी, कमिट होने के बाद ये रीड कर सकती है, तो कमिट होने के बाद तो कोई पंगा ही नहीं है, क्योंकि कमिट होने के बाद ये डेटाबेस में, अगर हम बात करें भाई सेकंड एग्जांपल, अगर ये 100 कर रही है वैल्यू, राइट है किया 50, और अगर ये सक्सेसफुली कमिट हो जाती है, तो कमिट का मतलब क्या होता है कि डेटाबेस में सक्सेसफुली चेंज कर दो वैल्यू को, तो डेटाबेस में 50 कर दिया, अब ये कमिट होने के बाद अगर रीड करेगी तो क्या रीड करेगी, 50, कहां से, डेटाबेस से, कोई पंगा नहीं है, क्या रीड करेगी, 50, कहां से, डेटाबेस से, कोई पंगा नहीं है, लेकिन यहां पे पंगा था क्योंकि डेटाबेस में 100 है और हमने रोल बैक करके 100 कर दिया, तो ये गलत वैल्यू पे काम कर रही है, तो इसको रोकने का सिंपल सा फंडा है कि हम रीड करने ही ना दो, रीड को अलाउ ही ना करो, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, कास्केड लेस। तो इसको पहचानने का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन रीड ए राइट ए कर रही है और दूसरी अगर आके रीड ए कर जाए, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप कह दो इट इज अ कास्केडिंग, क्योंकि ये रीड कर गई, और अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है, लेट्स से अगर आपको लिख दें कमिट, कमिट होने के बाद अगर आपको लिख दे लेट्स से रीड ए, तो इससे आप पहचान जाओगे ये कास्केड लेस का एग्जाम्पल है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट कर लेना। एक लास्ट पॉइंट कास्केडलेस में और बता दूं, कास्केडलेस में एक प्रॉब्लम अभी भी अक्कर हो रही है, वो है राइट राइट प्रॉब्लम। राइट राइट प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि हमने सिर्फ ये बोला है कि अगर लेट्स सपोज रीड ए कर रही है, कोई भी ट्रांजेक्शन राइट ए कर रही है, तो हम कह रहे हैं कि दूसरी ट्रांजेक्शन रीड नहीं कर सकती, ये ठीक है, लेकिन दूसरी ट्रांजेक्शन राइट तो कर सकती है। Yes. तो अगर हम बात करें लेट्स से सिंपल से एग्जांपल है, हमने राइट का तो कोई बात ही नहीं की यहां पे, तो लेट्स से अगर T1 स्टार्ट हुई उसने रीड ऑन नहीं किया, T2 स्टार्ट हुई उसने भी रीड ऑन नहीं किया, राइट से पहले कर रही है, लेट्स से डेटाबेस में A की वैल्यू 100 है, इसने 100 रीड की, ये भी क्या रीड करेगी 100, ध्यान रखना ये रीड मैंने राइट से पहले लिखा है, तो रीड जो अगर राइट से पहले हो रहा है उसमें कोई पंगा नहीं है, राइट होने के बाद रीड नहीं होना चाहिए, ये एक्चुअल में कहानी है। तो लेट्स से अगर मैं यहां पे राइट ऑन A लिखता हूं, राइट के बाद राइट, ये तो कोई बोल ही नहीं रहा, ये तो सिंपल ये कह रहा है कि राइट के बाद रीड नहीं हो सकता सेम डेटा पे जब तक कमिट ना हो, लेकिन मैं राइट के बाद राइट कर रहा हूं,
इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोला इसने, किसने इसके ऊपर कुछ नहीं बोला इसने, तो राइट के ऊपर राइट हम कर रहे हैं, तो इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? ऑब्वियसली ये कास्केड लेस है, कोई पंगा नहीं है इसमें, राइट के बाद रीड है ही नहीं, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? लेट से कि अगर ये ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो मैं इसको क्या करूंगा? रोल बैक करूंगा। इसको रोल बैक करते ही डेटाबेस में क्या हो जाएगी? इनिशियल वैल्यू जो भी है वो 100 एज इट इज हो जाएगी, लेकिन जो इसने काम किया वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड अ राइट राइट प्रॉब्लम, लॉस्ट अपडेशन प्रॉब्लम। तो ये लॉस्ट हो गया, जो इसने काम किया वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? लॉस्ट हो गया। जैसे लेट से ए की वैल्यू 100 थी, इसने रीड की 100, इसने भी रीड की 100, इसने लेट से परफॉर्म किया ए इज इक्वल टू ए माइनस 10, तो राइट क्या कर दिया? 90। इसने लेट से परफॉर्म किया ए इज इक्वल टू ए माइनस 20, तो राइट क्या किया? 80। डेटाबेस में नहीं, अभी अपने लोकल उसमें मेमोरी में इनके पास 80 90। लेट से ये ट्रांजैक्शन फेल होगी फ्यूचर में जाके, इसके फेल होते ही हमने क्या करना है? हमने डेटाबेस में वैल्यू क्या रखनी है? 100, मतलब जो इसने परफॉर्म किया वो ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाएगा। तो जो इसने परफॉर्म किया वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया? लॉस ही तो हो गया, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है 80 वो कहीं पे रिफ्लेक्ट होगी नहीं, क्योंकि अगर ये कमिट भी हो जाती है, कमिट होने के बाद भी हम इसको क्या करेंगे? डेटाबेस की वैल्यू को 100 कर देंगे। तो यानी राइट राइट प्रॉब्लम अभी भी अक्कर हो रही है, और वो राइट राइट प्रॉब्लम लॉस्ट अपडेशन प्रॉब्लम क्यों अक्कर हो रही है? उसका रीजन सिंपल सा है कि कास्केडलेस कहता है कि अगर कोई राइट कर रहा है, राइट के बाद रीड नहीं कर सकते जब तक कमिट ना हो, लेकिन राइट के बारे में ये कुछ नहीं कहता, क्योंकि राइट के बारे में जो नेक्स्ट शेड्यूल है स्ट्रिक्ट रिकवरेबल, वो एक्चुअल में बोलता है कि हाँ राइट भी नहीं कर सकते, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कास्केडिंग एंड कास्केडलेस शेड्यूल। थैंक यू।